और दोस्ती में जिसने धोखा खाया वो दोनों हाथ उठा लो। अगर दोस्ती में अगर दोस्त ने दूसरे दोस्त को धोखा नहीं दिया तो वो दोस्ती दोस्ती नहीं होती। क्या कहा सुनेगा? ये लाइन सुनने बड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी ताली बजा दो दोस्तों के लिए, उसके बाद सुनाऊंगा। आप हमसे भी पर्दा करे, आप हमसे भी पर्दा करे, क्यों अब किसी का भरोसा नहीं। आप हमसे भी पर्दा करे, अब किसी का भरोसा नहीं। क्यों ये बात ध्यान दीजिए गुरु जी। आप सांप सांप डसे तो कौन बचाए? दोस्त बचाए। सांप डसे तो दोस्त बचाए। दोस्त डसे तो दोस्त डसे तो अगर दोस्त डसता है तो कोई बचाता है? दोस्त का जो मार होता है ना साहब, बहुत जोर वाला मार होता है। कहा अच्छा आपको ये पता है कि राम जब वनवास गए थे तो उन्होंने मानव सेना के जगह वानर सेना लेकर क्यों गया? कोई बता सकता है? अगर मानव सेना लेकर जाते भैया तो सोने की लंका देकर आधा पाती उधरे हो जाता। होता कि नहीं होता? तो कहा आप हमसे भी पर्दा करे, दोस्ती का भरोसा नहीं। आप हमसे भी पर्दा करे, दोस्ती का भरोसा नहीं। ये लाइन पूरी करता हूँ, उसने भूल गया था। कहा सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, लेकिन अपनों से तो कैर ही अच्छे, अपनों से अच्छे। क्यों घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, सिया ना बोले सिया ना। ये आज की भजन संध्या का अंतिम भजन चल रहा है, तो मैं चाहूंगा आज हमारा पहला शुरुआत था तो एक बार राम नाम के साथ, क्योंकि भोलेनाथ राम प्रभु भोलेनाथ के आराध्य देवता थे, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार राम का नाम गाएंगे तो हमारे भोलेनाथ भी खुश होंगे। एक बार जरा हाथ ऊपर कर लो ऐसे। अब गाएं राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम बोलो, सिया राम, सिया राम, सिया राम बोलो, सिया राम बोलो, सिया राम बोलो, सिया राम बोलो, सिया राम।
जय हो राम सिया।